है, ये गोबर गैस प्लांट है, अभी देखने को मिलता है आपके गांव में, और पहले था यहाँ पर लेकिन अभी बंद है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। जय बोलिता, जय माता जी। तो अभी आज का ब्लॉग तो कुछ ऐसा रहेगा, मैं आया हूँ बाहर मेरे मामा के घर। अभी 2 दिन की छुट्टी भी थी तो छुट्टी लेकर यहाँ पर, और एक मैंने कमेंट भी की थी कि कुछ अलग दूसरों के पाक का वीडियो बनाओ जब फसल लगाते हैं हम, तो आज वो भी वीडियो आएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, आज कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। एक बार तो ये एक दो बार यहाँ पर ब्लॉग आ चुका है लेकिन आज वापस से, और हवा बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश की आ गई थी, और ऐसे भी आ गई थी कि हवाएं थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो आज हवाएं ज़्यादा है ही। तो चलिए, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना अभी आपको, सब यहाँ पर जो भी है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। नीचे रास्ता है अभी तो कच्चा, तो चलिए ब्लॉग पर बने रहना। अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर रास्ता है, यहाँ से जो मामा का घर है वो स्टार्ट होता है। अच्छा है, पेड़ पौधे सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और ये बाग बगीचा, छोटा सा बगीचा भी आप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है ये दाड़म का पेड़, दूसरा भी यहाँ पर पपीये हैं, बोर है, सभी है यहाँ पर। बाकी इस तरफ फसल है, और ये पशुओं का चारा है, नेपियर घास है यहाँ पर, ये जो फिर से वापस से काट सकते हैं ऐसा है ये नेपियर, तो अच्छा है। बाकी एक भाई ने आप कमेंट किए थे कि फसल का ब्लॉग बनाइए आप, तो हवाएं थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज के दिन के लिए एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये सब पूरा विस्तार है ना खुला है, इसलिए हवा ज़्यादा आती है। और यहाँ पर जीरा, ये मामा का जीरा है, तो थोड़ा सा पीछे है हमारे से, छोटा है ये, इतना बड़ा है नहीं, और ऐसा है जीरा अच्छा है। इस साल जीरा सभी जगह पे थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो भी छोड़ है जीरे के वो सूख रहे हैं। देखो आप, ये एक छोड़ है ना, ये सूख गया ऐसा, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ छोड़ है वो सूख रहे हैं, बाकी अच्छा ही है, भगवान की कृपा से अच्छा हो जाएगा। बाकी तो आप देख सकते हैं, जो भी जीरा लगाते हैं उनको तो देखने से ही पता चल जाता होगा कैसा है जीरा। बाकी ये घर है, तो चलिए अब ये आगे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो अब से दो वीडियो में मैंने कमेंट डाली है, 2-3 वीडियो में, और अच्छा प्यार को सपोर्ट भी आ रहा है, कमेंट भी अच्छी आ रही है, तो आज के वीडियो में भी कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आज टाइम रहेगा तो डाली दूँगा क्योंकि कल टाइम नहीं था मेरे पास, फिर भी थोड़ा सा ब्लॉग देर से आया है, 9 बजे आया था कल, कमेंट फिर एडिट करके अपलोड की थी तो आज भी डाल ही दूंगा, तो कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो के अंत में आप कमेंट देख ले, सब भी कमेंट आ ही जाती है, क्या है कि वीडियो पूरा होने के बाद सब लोग निकल जाते हैं, कमेंट नहीं देखते, तो कमेंट देखना ना भूलें, तो अच्छा लगे, और आज एक प्यार से कमेंट करना भी ना भूलें, तो लोग अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी कुछ नहीं कहना। वह बहुत देर थे देख सकते हैं पीछे, तो ये एनिमल्स हैं यहाँ पर बंधे हुए अभी तक, और ये आपको दिखाना था, ये गोबर गैस प्लांट है, अभी देखने को मिलता है आपके गांव में, और पहले था यहाँ पर लेकिन अभी बंद है। यहाँ पर गोबर डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, फिर यहाँ से जाता है नीचे कनेक्शन, और ये एक कुंडी होती है मेन, यहाँ पर जो गैस है वो जमा होता है ऊपर, और बाकी का जो पीछे का गोबर है वो यहाँ से निकलता है। अभी तो बंद है, चालू नहीं है, 2-3 साल पहले चालू था लेकिन अभी बंद है, तो अच्छा है, कोई खर्चा नहीं होता, खाद भी अच्छा बन जाता है और हमारे काम में भी आ जाता है, तो ये प्लांट आपको लगवाना चाहिए। तो अभी शाम के 6 बजने आए हैं, तो ये आपको दिखाना था, ये पूरा आप वाइट वाइट देख सकते हैं, वो क्या है कि धुखर बोलते हैं, धुखर आ गई है, आंधी भी बोलते हैं, तो 1 घंटे से आई हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं, तो एकदम ठंडा माहौल हो चुका है, अभी हवाएं इतनी है, अब ये पत्ते में देख सकते हैं कितनी हवाएँ हैं, तो ये धुखर है, आज ही आई ही, कल तो नहीं थी, और जाकर भी थी कल परसों रात में, जो निरीक्ष
जीरे को नुकसान होता है झाकड़ से। ये थुक्कर से तो नहीं पता मुझे क्या होता है, लेकिन एकदम ठंडा माहौल बन चुका है तो सोचा कि आपको दिखा दूँ। हवाएं बहुत तेज़ है तो ये 2 दिन चले जाएं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि 2 दिन आ गई थी आज की थी शायद, तो अभी 2 दिन चले जाए तो फिर कोई इतना प्रॉब्लम रहेगा नहीं किसानों के लिए, क्योंकि कितनी टेंशन रहता है ऊपर कि इतनी हमारी 80 फसल है, इसमें हम इतनी मेहनत करते हैं। देखो अब जीरा है तो जीरे में ही सबको ज़्यादा टेंशन रहेगा, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो चुका होगा और उसमें भी बारिश हो पानी तो बिल्कुल देना नहीं है तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो भी देखेंगे आगे कल क्या होता है पूरे दिन। तो इतने हैं एनिमल्स यहाँ पर, 1 2 3 4, 2 3 छोटे छोटे हैं। एक भैंस यहाँ पर बंधी हुई है और एकदम अंधेरा जैसा लगने लगा है। वो वाइट वाइट जो धुखर है अभी बढ़ती जा रही है, इतनी हो चुकी है। ये पास से कम दिखता है और दूर देखते हैं तो ज़्यादा होता है। बाकी अभी एक और जो भैंस है वो अंदर बंधी हुई है, जिसने बच्चा दिया अभी थोड़े दिन हुए हैं इसलिए अंदर रख रहे हैं वहाँ पर। बाकी इतने यहाँ पर है। तो भी ये जो कुआ है पानी ऊपर तक है, मतलब कि 10 फुट तक नीचे होगा इतना शायद, ऊपर तक अभी तो है पानी, अभी कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी जो समर आने लगे गर्मियों के सीजन, उसमें पानी एकदम नीचे चला जाएगा फिर एकदम खाली हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रदेश है वो पथरीला प्रदेश है, यहाँ से ही पत्थर आने स्टार्ट हो जाते हैं जो वहाँ देख सकते हैं आप। थोड़ा सा अंधेरा है, कबूतर बैठे हैं तो इसलिए यहाँ पर पानी की समस्या रहती है। हमारे साइड तो नहीं है, हमारे गांव में पानी भरपूर है, वहाँ पर कमी नहीं होती, यहाँ पर कमी होती है। तो जो फिर गर्मी का सीज़न है उसमें तो पशुओं को पिलाने के लिए भी वो क्या है कि दिक्कत आने लगती है, इतनी कमी कभी कभी तो हो जाती है। लेकिन अभी 2 साल से मौसम अच्छा है, बारिश अच्छी होती है इसलिए इतनी कमी नहीं है, वरना तो अच्छे से पानी का जो बचाव करना पड़ता है और उपयोग भी अच्छी तरीके से, कोई वेस्ट पानी बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पर ये गाँव में, क्योंकि कमी हो जाती है इसलिए। कुछ जगह पर होता है पानी, वो तो फिर दार करते हैं हम अंडरग्राउंड ज़मीन में तो निकलता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर दार है जो पूरा खाली जाता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग इतना लंबा तो नहीं है, छोटा सा रहेगा क्योंकि बाहर हूँ इसलिए पूरा लंबा ब्लॉग इतना बना नहीं सका। और फिर ये जो धुखर आई है अभी भी इतनी है पीछे आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या है कि अंधेरा भी जल्दी होने लगा है इसलिए पूरा ब्लॉग शूट नहीं हुआ मुझसे, मतलब कि इतना काफ़ी है मेरे से, जो एक मीडियम साइज है इतना तो बन चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होगा अब, क्योंकि फिर कल के ब्लॉग में हम मिलेंगे। कल का ब्लॉग शायद घर का आएगा, वो देखेंगे हम, शायद घर का ही आएगा कल का ब्लॉग। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और एक प्यारे से कमेंट कर देना ताकि ये जो आपकी जो कमेंट्स है वो कल के वीडियो में आ जाए फिर वापस से, और फिर ये जो कल के वीडियो में जिसने भी कमेंट की थी वो आज के ब्लॉग में आने वाली है, तो पीछे आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में स्किप मत करना, पीछे आपकी जो भी कमेंट्स है वो आ जाएगी, क्योंकि कई बार स्किप करते हैं तो आपकी कमेंट छूट जाती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि कमेंट नहीं आई, सबकी कमेंट आई जाती है। और आज भी कोई 18-20 जैसी कमेंट है कुछ, वो भी आज के दिन में आ जाएगी, जो आज जो भी कमेंट करेंगे वो कल आ जाएगी, ऐसा चलता रहेगा, फिर देखेंगे आगे। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।